ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम लोगों का टॉपिक था लास्ट क्लास, थोड़ा सा स्टार्ट किया था बट कुछ बताया नहीं था, राइट। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। इसका क्या मतलब है, इंटीग्रेट जो हम लोग किसी फंक्शन को कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले मैं कुछ एक चीज आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले कि मान लो हमारे पास ये कोई एक रेक्टेंगल है, राइट, और ये रेक्टेंगल का हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से ये एक्सिस मान लो बना हुआ, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, राइट। दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एंड वाई एक्सिस। अब देखो ये जो है ये इसका, ठीक है, लेंथ लंबाई ये ए है, ठीक है। और मान लो ये लेंथ जो आपको दिया हुआ है वो बी है, ठीक है। तो आप बता सकते हो कि ये रेक्टेंगल का जो लेंथ दिस वन ये कितना होगा, ये बताओ। ज्वाइन खुशबू हो गया, ज्वाइन अभी जस्ट उनका आया है, मैंने एक्सेप्ट किया है, देखो थोड़े दिन में ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका ये है कि रेक्टेंगल जो है उसका जो सबसे साइड वाला लेंथ है मतलब डिस्टेंस है वो आपका ए दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो दूसरे का डिस्टेंस है वो आपका बी दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है आपका कि रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा वो रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा, ये बताओ। ये बी दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, मैं पूछ रहा हूँ, ये मान लो एक्स है, ठीक है, या फिर आप इसको कुछ मान लो जेड या कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ पे एक्स है, ये एक्स की का लेंथ कितना होगा तो बताओ। बी माइनस है, दो, ठीक है, बी माइनस है। अब अगर ये देखो ये एक्स की वैल्यू कितनी है, बी माइनस ए, ठीक है, जिस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, बी माइनस ए। अब सोचो कि मैं क्या कर रहा हूं, इसका विड्थ, ये जो विड्थ है, राइट, दिस वन, ये जो विड्थ आपका आ रहा है ये वाई ले लिया मैंने, सपोज वाई ले लिया, या फिर आप विड्थ डीएक्स ले लो, ठीक है, ये आपने क्या ले लिया, डीएक्स ले लिया। तो आप बता सकते हो कि एक्स इंटू डीएक्स क्या होगा, अगर मैं एक्स इंटू डीएक्स ले रहा हूं तो एक्स इंटू डीएक्स क्या देगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा ये, मतलब कुछ है, क्या है वो, एक्स इंटू डीएक्स को क्या बोलेंगे हम लोग, बाकी लोग मेरे क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि x इंटू डीएक्स, अगर सपोज वो डीएक्स है तो x इंटू डीएक्स क्या देगा, एरिया, ठीक है। क्या सबको ये चीज समझ में आ रहा है कि x इंटू डीएक्स जो देगा वो क्या देगा, एरिया देगा, ये चीज समझ आ रहा है सबको। ये लेंथ टोटल इसका यहां से डिस्टेंस a था और ये वाले साइड का डिस्टेंस बी था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू आई बी माइनस ए, राइट। और बी माइनस ए को हमने, बी माइनस ए को हमने मान लिया कि ये एक्स है, ठीक है, और एक्स इसका मान ले कि ये डिस्टेंस जो दिया हुआ है, ये डिस्टेंस सपोज डी एक्स है, ठीक है, तो एक्स इंटू डी एक्स जो देगा वो क्या देगा, एरिया देगा, राइट। दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं कि जो डिस्टेंस था लेफ्ट वाले साइड का और राइट वाले साइड का वो रिस्पेक्टिवली ए एंड बी था, तो जो लेंथ हो गया रेक्टेंगल का वो कितना हो गया, एक्स, एक्स यानी कि बी माइनस ए, और सपोज इसका जो विड्थ है वो डीएक्स था, तो एक्स इंटू डीएक्स क्या देगा, एरिया ऑफ व्हाट, रेक्टेंगल, ठीक है। तो आप सोचो कि आपके पास कोई फंक्शन वाई था,
आप इसको क्या लिखते थे, आप y को लिखते थे इंटीग्रेशन एफ एक्स इंटू डीएक्स लिखते थे ना, एफ एक्स इंटू डीएक्स, ठीक है। और ये एफ एक्स इंटू डीएक्स और लिमिट क्या लिखते थे, ए टू बी, ए टू बी। तो ए टू बी और ये फाइनल जो आपका आता था वो क्या होता था, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। देखो क्या ये इसी रेक्टेंगल के टाइप का कुछ कुछ लग रहा है क्या, कि एफ एक्स इंटू डी एक्स कुछ होगा और ये एफ बी माइनस एफ ए आपने निकाला लेंथ, ठीक है। तो आपको अब समझ में आया कि इंटीग्रेशन क्या देता देना चाहिए, क्या इस दोनों चीजों से आप एनालाइज कर पा रहे हो कि इंटीग्रेशन क्या दे रहा होगा, इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या मतलब होगा, ये चीज किसी को समझ में आ रहा है, कोई बता सकते हैं क्या देना चाहिए इंटीग्रेशन, बताओ तो क्या देगा इंटीग्रेशन। क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन ये एफ एक्स डीएक्स है ए टू बी, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होना चाहिए, इस वाले कंडीशन से आपको एनालाइज करना है कि आखिर एफ एक्स डीएक्स क्या दे रहा होगा, लेंथ नहीं, थोड़ा सा और सोचिए, एफ एक्स इंटू डीएक्स है एरिया और बाकी लोग ब्रेथ नहीं, एरिया, एग्जैक्टली एरिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो कैसे मैं बताता हूं, मान लो हमारे पास ये, ठीक है, यहां पे कोई एफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, एफ एक्स, ठीक है, ये एफ एक्स का ग्राफ है, ये रैंडम कोई ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये ग्राफ किस फंक्शन का है, एफ ऑफ एक्स का है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इसका जो विड्थ है यहां से यहां लेकर के ये dx है, ये मान लो कहां से कहां तक, देखो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये क्या था पिछले वाले फंक्शन में, ये क्या था, ये a था, ठीक है, और कहां तक जाना है, b तक जाना है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, सोचो ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा टोटल, और यहां पे dx होगा, ये इसका जो थिकनेस होगा ये dx होगा, ये क्या है dx। तो अगर dx, dx इसका थिकनेस है और थिकनेस को हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे b माइनस a से, तो थिकनेस को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या एरिया नहीं देगा, एरिया कहां से कहां देगा, b से a से b के बीच का या फिर b से a के बीच का, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग ये चीज बोल सकते हैं, ठीक है, हाँ अ स्मॉल रेक्टेंगल बोल सकते हैं, बिल्कुल एरिया ऑफ अ स्मॉल रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे फिजिकल सिग्निफिकेंस जो होता है तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी गिव्स द एरिया बाउंडेड बाय, एरिया बाउंडेड बाय द फंक्शन, फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। या सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि इंटीग्रेशन क्या देता है, इंटीग्रेशन आपको एरिया देता है किसी फंक्शन का, बाउंडेड एरिया देता है। क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस सबको क्लियर हो गया कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, तो किसी भी स्कूल में मतलब कहीं पे भी जब टीचर लोग वाइवा लेते हैं तो बहुत बार, या फिर कोई टीचर अगर इंटर, इवन टीचर्स, अगर टीचर्स भी अगर किसी इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं पे कुछ इंटरव्यू देते हैं तो उस केस में भी बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता है, दो चीजें पूछा जाता है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमेशा याद रखना चाहिए मतलब कि फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब कि क्या टेंजेंट मिलता है हमें किसी कर्व पे, डिफरेंशिएशन गिव्स द क्या टेंजेंट,
ठीक है, टेंजेंट आपका देता है एंगल, जो आपका एंगल बनाता है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट. तो डिफरेंशिएशन गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी कर्व. और इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि आपका एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. ठीक है, क्या सबको ये चीज क्लियर है एकदम? कोई डाउट तो नहीं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस में? सबको क्लियर है या नहीं बताइए फाइनल, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. क्या रिपीट करना है विपुल? एक दो ही चीज बताया, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस. डिफरेंशिएशन का ऑलरेडी बता चुका था कि आपका डिफरेंशिएशन का आपका ऑलरेडी बता चुका था कि उसका क्या देता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी कर्व. और इंटीग्रेशन का क्या देता है? इंटीग्रेशन का आपका देता है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. जो कर्व को आप इंटीग्रेट करोगे, जो फंक्शन को आप इंटीग्रेट करोगे, कहां से कहां, वन से टू, तो वन से टू के बीच का वो कितना एरिया कवर कर रहा है तो वही देगा इंटीग्रेशन. बाकी लोगों को भी क्लियर है? फाइनल टाइम बताइए, क्या सबको क्लियर है? फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे. चलिए, ओके, यहाँ पे हम लोगों का इंटीग्रेशन खत्म हो गया. और बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का जो नेक्स्ट पार्ट है, वो नेक्स्ट पार्ट है हम लोगों का वेक्टर्स. ठीक है, वेक्टर्स हम लोगों को देखना है. और तो वेक्टर्स में आप पहले बता सकते हैं कोई कि वेक्टर का क्या मतलब होता है, इसके बाद मैं डील करूंगा. बताइए, जिसको जो आता है आप अनम्यूट करके बोल सकते हो, किसी को जो, जिसको जो आता है, एनीथिंग, जो वेक्टर के बारे में. सर जो, सर जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और ट्रायंगल लॉ को फॉलो करता हो. चलो ठीक है, मैंने तो अभी ट्रायंगल लॉ की बात ही नहीं की. ट्रायंगल लॉ तो मैंने बताया कि हाँ, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ठीक है, सर नहीं बोल सकते. वेक्टर इज अ, चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज, जो इस चैप्टर का है वो हम लोगों को देखना है, फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटी ऑलरेडी एक बार ऐसा यूनिट में बताया है कि फिजिकल क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज को बोलते हैं, वैसे चीजों को बोलते हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स है, जिसको हम लोग मेजर किया जा सके. एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, राइट? तो फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. ठीक है, सबसे पहला क्या है? पहला जो है वो है स्केलर. अब मान लो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये यहाँ पे आपका कोई फिजिकल क्वांटिटी है. ठीक है, तो इस फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या करोगे, तीन पार्ट में डिवाइड करोगे. कौन कौन सा भाई? सबसे पहला हो जाएगा आपका स्केलर, फिर हो जाएगा आपका वेक्टर, और फिर हो जाएगा आपका टेंसर. ठीक है, स्केलर वेक्टर तो सुना होगा, टेंसर अभी तक नहीं सुना होगा, तो टेंसर आज सुन लेंगे हम लोग. ठीक है, टेंसर वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल हम लोग देखेंगे उसको. ठीक है, क्या है यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का कितना पार्ट बाबू? तीन पार्ट. पहला कौन सा? स्केलर. दूसरा कौन सा? वेक्टर. और तीसरा कौन सा? टेंसर. ठीक है,
हाँ मैंने बताया है कभी नवोदय में, शायद जेएनवी में बताया था थोड़ा सा, स्क्रीन नहीं दिख रहा बिल्कुल, आप एक बार रीज्वाइन हो जाओ, बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना, बाकी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? विपुल आप रिज्वाइन हो जाओ, या वीडियो देख लेना या फिर रिज्वाइन हो जाओ एक बार, ठीक है? चलो अभी देखो यहाँ पे कि स्केलर, ये चीज जो है फिजिकल क्वांटिटी के तीन पार्ट हो गए, एक आपका हो गया वेक्टर, फिर यहाँ पे टेंसर, और फिर यहाँ पे स्केलर, ठीक है? तो स्केलर आपका जो होता है वो क्या होता है, those physical quantities which have only magnitude, those physical quantity quantity having only magnitude. कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं. फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो बोलोगे सर टेंसर क्या होता है, तो टेंसर क्या होता है ना कि फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज होंगी. फिजिकल क्वांटिटी हैविंग डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, या फिर और फिजिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब कि जिसके अबाउट हम लोग रोटेट करना चाह रहे हैं, तो रोटेट करने के वाला जिस पे रोटेट कर रहे हो वो अगर चेंज होगा, वो एक्सिस अगर चेंज होगा तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी. और वैसे टाइप के फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है. सबका एग्जांपल देखेंगे, तो ये एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, स्केलर का आपको मालूम ऑलरेडी एग्जाम्पल, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, दो चार बताएंगे आप लोग, आप ही लोग बताइए दो चार. yes, डिस्टेंस, ठीक है, और सर ये स्पीड, बाकी लोगों को याद है कुछ, चलिए प्रियांशु, मास, ठीक है, डिस्टेंस, स्पीड, मास, ठीक है, एक्सेट्रा. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर का एग्जांपल आ गया आपका, वेक्टर का लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, हाँ ठीक है, गुड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ठीक है, और फोर्स, ठीक है, एनर्जी भी आपका स्केलर होता है, एनर्जी आपका वेक्टर नहीं होता, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, बहुत सारी चीजें हैं, बट हम लोग को दो चार अभी एग्जांपल देखेंगे फिलहाल, ठीक है, और क्या एटसेट्रा लिख देते हैं, ईटीसी. नेक्स्ट टेंसर क्वांटिटी, चलो बाकी तो बता दिया, टेंसर बता दो, टेंसर बताएंगे कोई, अब नहीं बोले, नहीं पता सर, नहीं पता है, बोला कि बाकी तो बता देंगे, चलो एक ने बताया, ठीक है, याद है, मतलब सर कपल ऑफ मोमेंटम भी हो सकता है क्या? नहीं, कपल ऑफ मोमेंटम नहीं होगा. टेंसर नंदनी, मैंने जेएनवी में बताया था क्या टेंसर क्वांटिटी? हाँ चल, इसीलिए याद है, टेंसर बताया था, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है टेंसर क्वांटिटी,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताऊंगा, आगे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा बहुत बताया था और भी आगे बताऊंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, स्ट्रेस भी होता है ठीक है, और एक्सेट्रा बाकी बाद में डील करेंगे। तो ये चीजें हम लोगों को बेसिक देखनी थी कि स्केलर वेक्टर और टेंसर देखना था, ठीक है, कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसा होता है और तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में बताया था तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट चैप्टर में बताया था। नाउ इसके बाद आपको ऑलरेडी आप लोगों ने स्केलर क्वांटिटी पढ़ रखा है, ठीक है, कि जिसका सिर्फ और सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है। हमें जो फोकस करना है वो स्केलर और टेंसर पे नहीं फोकस करना, हमें फोकस करना है वेक्टर पे, ठीक है। देखो मैं एक चीज आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आगे का बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन में जाके ये जो स्केलर और वेक्टर होता है ना, ये पार्ट होता है टेंसर, ठीक है, टेंसर का ही पार्ट है। आगे जाके आप पढ़ोगे, अगर फिजिक्स ऑनर्स लोगे, बीटेक में नहीं है बट अगर फिजिक्स ऑनर्स लोगे तो उसमें टेंसर क्वांटिटी आपको पूरा चैप्टर आए जिसमें आपको ये पढ़ना है स्केलर और वेक्टर के बारे में। वहां जाके आप पढ़ोगे कि स्केलर और वेक्टर जो होता है वो एक टेंसर का ही पार्ट होता है, और टेंसर ऑफ डिग्री जीरो, टेंसर ऑफ डिग्री जीरो इज नोन एज अ स्केलर एंड टेंसर ऑफ डिग्री वन इज नोन एज वेक्टर, ठीक है। बट उतना डीप में जाने का जरूरत नहीं, बट फिलहाल आपको सिर्फ ये जानना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का तीन पार्ट है, स्केलर वेक्टर और टेंसर, बट एक्चुअली दो ही पार्ट है, स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। स्केलर और वेक्टर किसका पार्ट है, तो स्केलर और वेक्टर आपका पार्ट है टेंसर का। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, स्केलर मैं बता जरूर रहा हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी आपका तीन पार्ट, स्केलर वेक्टर टेंसर, क्योंकि बहुत बुक्स में मिलता है बट आपका लेस नॉलेज की वजह से यहाँ पे सारे डिटेल में 12 में है नहीं, बट ये चीज ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली स्केलर और वेक्टर जो होता है वो आपका टेंसर का ही पार्ट होता है। टेंसर ऑफ डिग्री जीरो इज नोन एज स्केलर, टेंसर ऑफ डिग्री वन इज नोन एज वेक्टर, ठीक है, क्या सबको ये चीज क्लियर है? बाकी लोग सबको ये पूरा क्लियर है तब बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपका टाइप ऑफ वेक्टर पे। वेक्टर हम लोगों को पढ़ना है, वेक्टर डेफिनेशन तो आपने देखा ही, ठीक है। तो पहला आएगा आपका, पहले करते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे आपका टाइप। रिप्रेजेंटेशन कैसे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो मान लो हमारे पास कोई यहाँ पे आपका लाइन एक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, ठीक है, और ए से बी जाने के बाद जाने का डायरेक्शन हम लोग दिखा रहे हैं कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और ए से बी जाने के ड्यूरेशन में ये जो लेंथ है इसका वो 5 सेंटीमीटर है, राइट। तो देखो इसके पास दो चीजें आ गई, एक आ गया आपका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन इज फ्रॉम ए टू बी। तो अगर आपको रिप्रेजेंट करना है इस वेक्टर को तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे ए बी और ए बी के ऊपर क्या करोगे, एरो दे दोगे, ठीक है। तो आपका इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर ए बी, दिस इज रेट, इसको कैसे पढ़ेंगे, वेक्टर ए बी, ठीक है, रीड एज वेक्टर ए बी, ठीक है। किसी भी चीज के ऊपर एरो आ गया दैट मींस कि वो वेक्टर ए बी है। नाउ अब सपोज ये बी से ए जा रहे थे, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अभी ए से बी की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि बी से ए जा सकते हैं, राइट। ये अभी हम लोग ए से बी नहीं जा रहे है, तो ये ए बी ही, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, बी से ए जा रहे हैं, ठीक है। और ये मैग्नीट्यूड आपका 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे बी से ए जा रहे, राइट। तो B से A लिखेंगे, B से A और इसको देंगे एरो, ठीक है, और इसको कैसे पढ़ेंगे, रीड एज वेक्टर B, रीड एज वेक्टर B, ठीक है।
मतलब आप बी ए से बी से ए जाओगे, ए से बी जाओगे तो वेक्टर ए भी पढ़ो और बी से ए जाओगे तो वेक्टर बी ए पढ़ो। अब देखो तो दोनों का डायरेक्शन क्या सेम चीज नहीं दिख रहा आपको कि एक में बस हम लोग ए से बी जा रहे हैं और एक में लोग बी से ए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज कंक्लूड कर सकते हो, क्या कंक्लूड कर सकते हो कि ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। माइनस का क्या मतलब, जस्ट और जस्ट डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, माइनस ऑफ बी ए वेक्टर, ध्यान रखिएगा माइनस रिप्रेजेंट्स अपोजिट डायरेक्शन। मतलब सपोज बी ए इधर जा रहा है तो बी ए का डायरेक्शन अगर हम लोग उल्टा कर देते, सपोज बी ए का डायरेक्शन अभी ये क्या जा रहा है, इस बी से ए जा रहा है, देखो यहाँ से यहाँ जा रहा है, इसका डायरेक्शन माइनस का मतलब है कि डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट मतलब हम लोग ए से बी जाएंगे, तो ए से बी जाएंगे जब तो ए से बी तो ए बी वेक्टर ही था ना, इसीलिए माइनस लगाने से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नेगेटिव मीन्स डायरेक्शन अपोजिट, क्या लिखेंगे, नेगेटिव मीन्स डायरेक्शन बिकम अपोजिट, डायरेक्शन बिकम अपोजिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग आएंगे आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पे। ऐसे तो बहुत सारे टाइप्स है बट जो बेसिक है वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप ऑफ वेक्टर। पहला देखेंगे हम लोग नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर जस्ट अभी जो बताया वही है, नेगेटिव वेक्टर लिखेंगे क्या, नेगेटिव वेक्टर इज नथिंग बट नेगेटिव वेक्टर इज जस्ट द गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि डायरेक्शन अपोजिट कर दो तो वो वेक्टर नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। अभी ऑलरेडी ये बता चुका हूं, ये मान लो हम लोगों का यहाँ पे ये वेक्टर है, इस वेक्टर को हम लोग क्या है रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर ए से, दिस वन इज वेक्टर ए। ठीक है, तो अगर बोलोगे आप नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए तो ये क्या हो जाएगा ना, इसका डायरेक्शन आपका जस्ट अपोजिट आएगा। मान लो ये आ गया यहाँ पे, डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या कर देंगे, डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे, तो डायरेक्शन अपोजिट मतलब नेगेटिव वेक्टर आ गया। ठीक है, ये देखो ये क्या कर दिया, डायरेक्शन अपोजिट, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, दैट मीन्स ये माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक है, पढ़ेंगे किस कैसे इसको, तो पढ़ेंगे नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए, रीड एज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, रीड एज नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट जो सेकंड है वो आपका है नल वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ठीक है, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर में क्या होगा, द एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ अ वेक्टर विथ नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, विथ नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ इज नोन एज नल वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, ठीक है, क्या मतलब हुआ भाई इसका, ये बोल रहा है कि किसी भी वेक्टर में इसके खुद का नेगेटिव को ऐड कर दो। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई वेक्टर ए था, राइट, अब इस वेक्टर ए में आपने क्या किया कि वेक्टर ए में ऐड कर दिया, ये वेक्टर ए है, इसी में सोचो आप ऐड करोगे माइनस वेक्टर ए को, नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ यानी कि माइनस वेक्टर ए, तो ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर इस दोनों को जब ऐड करोगे
तो वेक्टर और वेक्टर का सम हमेशा वेक्टर ही रहता है, राइट? मगर बिकॉज ये आपका नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मैग्नीट्यूड आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? डायरेक्शन. तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या कहला रहा है, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर. यहाँ पे ओ को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर. क्या सबको यहाँ पे क्लियर है? ठीक है, ओके. नेक्स्ट आते हैं हम लोग पैरेलल वेक्टर. पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? विच हैव सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन. वेक्टर्स विच हैव सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन मतलब जिसका डायरेक्शन एक ही तरह हो, ठीक है, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन आर नोन एज आर पैरेलल वेक्टर्स. ठीक है, एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल में क्या होगा, ये मान लो कोई एक वेक्टर है, साथ में यहां पे देखना है, हमने मैग्नीट्यूड की बात नहीं की है, राइट? तो आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड आप कर सकते हो कि मैग्नीट्यूड को आप हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मतलब कि यहाँ पे आप क्या करो, जस्ट ए मिनट, सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? वेक्टर्स विच हैव सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन इररिस्पेक्टिव of the magnitude are parallel vectors. Example देखते हैं इसका. मान लो अभी हमारे पास क्या है ना कि दो लाइंस है, ये एक वेक्टर इधर से इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर जो है ना ये इधर से इधर जा रहा है, ठीक है? और ये देखो दोनों का सेम डायरेक्शन है ना, ये अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो ये भी लेफ्ट टू राइट जा रहा है. इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है 5 units, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो 5 units, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 15 units, बट मैग्नीट्यूड देखो डिफरेंट है, बट स्टिल दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है. और ये मान लो हमारे पास क्या है, वेक्टर ए, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, वेक्टर बी है. तो हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर. देखो लिखने का सिर्फ है ना, अभी आप लोग कोशिश करना कि जब मैं वेक्टर ए बोलूं तो वेक्टर ए बोलने का मतलब है कि आपको ए के ऊपर एरो लिखना है, ठीक है, वेक्टर ए, ठीक है, एंड वेक्टर बी, एंड वेक्टर बी, वेक्टर बी का मतलब बी के ऊपर एरो आर पैरेलल. चलो यहां तक सबको क्लियर है? बताइए सबको यहां तक क्लियर है?
चलो ओके, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, टाइम अभी फिलहाल नहीं बचा है, ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।